बकासुर ने। अब जब इनकी स्तुति आप देखोगे, कहने को तो ये असुर हैं वृत्तासुर, पर किसी भी वैष्णव, किसी भी भक्त और किसी भी प्रेमी का प्रेम तब तक पूरा नहीं होता जब तक वृत्तासुर की इस स्तुति को आप नहीं पढ़ लेते हैं। जरा समझो, ये स्तुति देने वाला कौन है? असुर। असुर ने ऐसी स्तुति दी है कि भागवत जी में सर्वश्रेष्ठ स्थान है इसका। अहम हरि तब पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गुणित वाक कर्म करो तुकाय। आप सब तो बहुत लोग थे जिनको याद था, जरा बोलो। ननाक पृष्ठम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहे अकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराचुहार्था प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनो अरविन्दाक्ष दित्तिक्षुते त्वाम अहं हरे तव पादैकमूल मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव में था। ये जितने भी आपके बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर 10-20-50-100 बच्चे, इनके गांव में शराब की नदी बहती थी महाराज, कई सुबह शाम शराब। अब आप उस गांव में कभी जाओगे, आप लोग को जाना चाहिए, तो वहाँ के घर घर से आपको ऐसे ही भागवत के मंत्र सुनाई पड़ेंगे, इतने याद। ये पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है अच्छे से। अगर सीखने की इच्छा हो, भाव हो, प्रेम हो, तो कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन बाधा नहीं है। इस क्वालिफिकेशन के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई बाधा, चौथी क्लास फेल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और पूरे अमेरिका को हिला के आने वाले शिकागो में उनके चेला स्वामी विवेकानंद। मैं ये नहीं कहता कि आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन मत लेना, बहुत लोग हमें तो और अभी डॉक्टरी मिल गया तो हम और डॉक्टर रितेश्वर हो गए हैं, हाँ ऐसे ही हमारा सीना ऐसे हो गया, दे दियो हमें महाराज तो बुला के दे दियो कि आपको बनाया जाता है, हमें बना दे हमें क्या है, जो बना दे, जो बना दोगे वही हम बन जाएंगे। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बुरी नहीं है, लेकिन आत्मिक क्वालिफिकेशन में चूक गए, आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन में चूक गए, तो फिर चाहे कितने भी अशरानी, कितने भी जगदीप और राजू श्रीवास्तव आ जाएं, पर जिंदगी में सच्ची हंसी और मुस्कुराहट नहीं पा पाओगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी।